नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दुबई जेल में कैद बांदा की शहजादी को 21 सितंबर को दी जाएगी फांसी। पीएम मोदी से परिजनों ने लगाई गुहार। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई की अबू धाबी जेल में कैद यूपी के बांदा की निवासी दिव्यांग शहजादी को 21 सितंबर को फांसी की सजा दी जाएगी। यूएई की कोर्ट ने 21 सितंबर को शहजादी को फांसी के फंदे पर लटकाने का वक्त मुकर्रम कर दिया है। ये खबर आते ही पीड़िता शहजादी के घर में कोहराम मच गया और फांसी की सजा पाई शहजादी के बूढ़े माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बेटी को बचाने के लिए फरियाद कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस खबर की पूरी जानकारी को पूर्ण रूप से विस्तार में। तब तक आप लगातार बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपको बता दें कि बांदा के मटौंद थाना क्षेत्र के गांव गोयरा मुंगली की रहने वाली शहजादी सामाजिक संस्था रोटी बैंक में काम करती थी। फेसबुक के जरिए आगरा निवासी उजैर से शहजादी का संपर्क हुआ था और कथित मानव तस्कर के प्रेम जाल में शहजादी फंसती चली गई। चूंकि शहजादी का चेहरा जला हुआ था और उजैर ने उसे इलाज के लिए आगरा बुला लिया और वहां से उसे इलाज करने के नाम पर आगरा के मूल निवासी और वर्तमान में दुबई में रहने वाले दंपत्ति फैज और नादिया के हाथ शहजादी का सौदा कर उसको दुबई भिजवा दिया था। बताना चाहेंगे कि जहां शहजादी को घरेलू नौकर की तरह काम करना पड़ता था और फैज और उसकी पत्नी के टॉर्चर से भी गुजरना पड़ता था। इसी बीच फैज का 4 साल के बेटे की बीमारी के दौरान मौत हो गई थी, जिसका इल्जाम दुबई में रहने वाले इस दंपत्ति ने शहजादी पर लगाते हुए उसे गिरफ्तार करा दिया था। दुबई की कोर्ट ने 4 महीने पहले ही शहजादी को बच्चे की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई थी, जिस पर शहजादी के परिजनों ने बांधा CJM कोर्ट में फरियाद कर कोर्ट के आदेश पर आरोपी उजैर और दुबई में रहने वाले दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था और साथ ही पीएम मोदी से शहजादी को बचाने की फरियाद भी की थी। आपको बता दें कि शहजादी के परिजनों के मुताबिक अबू धाबी की जेल में शहजादी को अपने परिजनों से बात करने की छूट दी गई और शहजादी ने अपने पिता को फोन करके बताया और वहां की कोर्ट के आदेश भी भेजे हैं, जिससे ये पता चला है कि इसी महीने यानी 21 सितंबर को शहजादी को सजाए मौत देने का समय मुकर्रर कर दिया गया। पीड़िता शहजादी ने अपने पिता से फोन पर बात करते हुए समाज सेवी और राजनीतिक दलों से मदद मांगी है और कहा है कि वह अबू धाबी की जेल से छूटने के बाद अपने साथ हुए अत्याचार को सबके सामने लाना चाहती है। साथ ही आपको बता दें कि फेसबुक के जरिए आगरा निवासी हुसैन ने पहले शहजादी को अपने प्रेम जाल में फंसाया था और उसके बाद उसका विदेश में इलाज कराने के नाम पर उसके गहने, दिव्यांग कार्ड, ATM बैंक में जमा सारा पैसा सब कुछ अपने कब्जे में लेने के बाद उसे दुबई में रह रहे दंपत्ति फैज और नादिया के हाथ बेच दिया था। फैज और नादिया के बेटे की परवरिश शहजादी ही करती रही, लेकिन एक दिन उसे बच्चे की तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई, जिस पर कथित दंपत्ति ने शहजादी पर ही हत्या का आरोप मढ़ दिया और दुबई कोर्ट ने शहजादी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी और वह तब से जेल में ही बंद है। हालांकि परिजनों की प्रार्थना पर बांदा CJM भगवान दास गुप्ता ने आरोपी उजैर और दंपत्ति फैज और नादिया के खिलाफ मानव तस्करी धोखाधड़ी के तहत गंभीर धाराओं में पुलिस को मुकदमा दर्ज कर आरोपी आगरा निवासी उजैर और दुबई में रह रहे इस दंपत्ति की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए थे। बता दें कि जिस पर पुलिस इनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ फांसी का वक्त मुकर्रर होने से शहजादी के परिजनों में कोहराम मच गया और वह पीएम मोदी से अपनी बेटी को बचाने की फरियाद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि फर्जी आरोप में UAE में फांसी की सजा पा चुकी इस बेबस महिला को जीवन दान मिलता है या फांसी के फंदे में लटक कर बेबसी की मौत। देखिए रिपोर्ट। मदद करें और इनके नाम एफआईआर हुई है 4 लोगों के, दो तो दुबई में है तो यहाँ पे है, उनको उठवाए काम कर रहे हैं जो मोटर भाई आया जो है। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ में यहाँ 8 साल की थी जब वो जल गई थी, उसके बाद में वो शादी लायक तो थी नहीं कि शादी हम कर सके, तो NGO में जुड़ गई। NGO के जरिए से
आगने वाले अजय नाम उसका, उससे संपर्क हुआ उसका। उसके उसने अपना कहा सुना कि तुम्हारा इलाज कराएंगे, दुबई चली जाओ वहाँ इलाज करवा देंगे, तुम जाओ हम भी आ रहे हैं इलाज करवा देंगे। वो चली गई उसके कहने से। कहाँ गई थी उसके कहने? दुबई चली गई। दुबई उसने भेज दिया। कहाँ से भेजा था? आगरा से भेजा था, यहाँ से लेके गए तो वो आगरा भेज दिया उसने। क्या जुनैद आगरा का रहने वाला? उजैर आगरा का रहने वाला। उजैर उजैर आगरा का रहने वाला है। फिर आगे क्या हुआ? वहाँ पहुँच गई, फिर वो एक साल तो अच्छे से रही। उसके बाद में जहाँ भेजा था इनकी फूफी पप्पा है, उनके बच्चा हुआ तो वो 4 महीना 20 दिन में उनने 6 महीने वाला इंजेक्शन लगवा दिया। जो बच्चों के लगते हैं वो इंजेक्शन लगवा दिए। 4 महीना 20 दिन का था बच्चा, वो इंजेक्शन लगवा के आए, बच्चा खत्म हो गया। लड़की ने बल के फ़ोन करा, वो सर्विस करती है माँ, बच्चे की माँ सर्विस कुछ करती है। लड़की ने फ़ोन करा 1 घंटा के बाद, लड़की बच्चा दो रहा इंजेक्शन लगवा के, जब से आई वो आप आके देखी, बोली दूध पिला दो वो सही हो जाएगा। दादी मौजूद थी सामने उनकी। फिर आगे बोली वो चुप हो जाएगा, दूध पिला दो। बच्ची ने दूध, दादी ने दूध बनाया, बच्ची ने दूध पिलाया। वो जब सोगी, शांत होगी, सोगी है तो उसने लगा दिए। अब उसके ऊपर आलो भी 2 महीने के 2-4 दिन बाद उसने बच्ची को फंसाया, हाल ही हाल ही फंसाया। 3 दिन बच्चा कैंटरी में रहा, पुलिस कैंटरी में रहा बच्चा। वहाँ से इन्हें लिखा पढ़ी करके कि हमें किसी पर ना शक है, ना हम किसी को कुछ कार्रवाई करेंगे और हम मट्टी देना चाहते। पोस्टमार्टम नहीं कराया इन लोगों ने, तो पता नहीं इनके ऊपर क्या कुछ आए, जैसा जो कुछ हुआ हो। बच्ची को 2 महीने के बाद 2-4 दिन कम थे, बच्ची को फंसा। फिर आपको अभी क्या पता चला? फिर जब इन लोगों ने 2 दिन मारा, खाने को नहीं दिया, उससे कहा कि तुम कहो कि हमने मारा है। लड़की जब ना कहने लगी तो इन्हें हाथ में उसका कट लगाया सर, मारा, कपड़े उठाए बच्ची के। कैसे पता चला आपको ये सब? बच्ची ने फिर जब अंदर आ गई, जब पति बच्ची ने लोगों को बताया कि हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने कहा कि हाँ हमने मारा, जबरदस्ती कबूलनामा करा, जबरदस्ती घर में इन लोगों ने वीडियो बनाई सर। फिर जब 10-12 दिन फोन नहीं आया, फिर आगरा वाले से हम लोग फोन घर पर पूछ रहे, बोले हमें मालूम नहीं है, हमारी भी बात नहीं हो रही, फोन नहीं लग रहा हमारी बात। तो लड़की ने 12 दिन बाद वहीं से थाने से फोन करा कि पापा हमें ऐसा संग्रह में फंसा दिए, पापा हमें बचा। फिर आपको क्या पता चला कि वहाँ क्या हुआ बच्ची के साथ? जब बच्ची ने बताया कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा किया, जबरदस्ती कहलवाया तो हमने कह दिया कि हाँ अपने पास। फिर वहाँ की सरकार ने क्या एक्शन लिया? बच्ची सरकार ने ये लिया कि लड़की का हमारा कोई नहीं है वहाँ, पैदवी के लिए कोई नहीं है सर, उन्हीं उन्हें गए तो उन्हीं की सुनाई हुई, हमारी लड़की की कोई सुनाई नहीं, जो उन्होंने लिखवाया था। बच्ची को क्या सजा सुनाई गई वहाँ? बच्ची को सजा सुनाई गई है। क्या सजा सुनाई? फांसी की सजा सुनाई गई। फिर अभी क्या पता चला? हाल ही में अभी फोन आया था आपको, क्या पता चला? कल उसने बात की, बता रही थी पुलिस वाले आए, इक्कीस तारीख सजा हुई, 21 सितंबर को इसी फांसी की सजा होने, फांसी की सजा। तो वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई, ना यहाँ पुलिस एक्शन ले रही है, ना वहाँ की कोई छानबीन, उन लोगों ने भी कुछ नहीं। बच्चे का चाचा आगरा से 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद गया, वहाँ कसम मानी जाती है अदालत में, अदालत में उसने कसम खाई चाचा ने उसकी कि हाँ हमारे सामने मारा है। जब यहाँ था तो कम से कम सरकार उसका टिकट तो देख लेती, कौन टिकट से आया है, क्या तारीख को आया, क्या तारीख को, कुछ कोई। क्या चाहते हैं, क्या मांगे आप? हम ये मोदी जी, हम ये मांग चाहते हैं कि देश की बेटी, मोदी की बेटी है, आप सबकी बेटी है, बेटी को बचाइए, बेटी पे कसम, हम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगे। अभी उन्होंने बताया, उनकी माँ ने बताया कि कब उसके पास फोन आया था उनका, और उसने बताया कि 21 सितंबर को उसे फांसी होने वाली है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये वहाँ का मामला है, टेलीफोन से उनकी बात हो रही होगी, वो बेहतर बताया, जो उन्होंने बताया वो बेहतर होगा, ये उनके और उनकी माँ के और पिता के बीच की बात है। जहाँ तक लीगल पोजीशन ये है कि अगर ऐसी स्थिति है तो तत्काल ऐसे मामलों में जांच होनी चाहिए। जब इस देश में शेख हसीना महफूज हैं, इस देश में पाकिस्तान से आई हुई
बच्चियां महफूज हैं जो शादी होकर आई थी, तो ऐसे में अगर आप धाबी किसी अपराधी के द्वारा, बदनीति के द्वारा, मानव दुर्व्यवहार के द्वारा भेजी गई है लड़की, तो कम से कम उसके साथ न्याय हो जाना चाहिए। वो अगर ऐसे षड्यंत्र के द्वारा वहाँ भेजी गई है, वहाँ वो बेचारी फंस गई, सही फंसी या गलती अदालत का काम है, नो कमेंट, तो उसमें न्याय होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।